उत्तराखंड की धामी सरकार ने पार्टी के 10 वरिष्ठ नेताओं को नए दायित्वों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें हल्द्वानी से वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेश भट्ट को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य परिषद के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीडिया से बात करते हुए सुरेश भट्ट ने कहा कि राज्य की विषम परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मुझ पर ये भरोसा व्यक्त करते हुए ये दायित्व दिया है, जिस भरोसे के साथ पार्टी ने, सरकार ने ये नेतृत्व या दायित्व मुझे दिया है, उस दायित्व को पूरा करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। विशेषकर अपने पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तराखंड में, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं और बेहतर हों, स्वास्थ्य सुलभ हो और त्वरित हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो भी इस पर काम किए जा रहे हैं, उस पर और गति मिले, इसके लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा।